हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शनल कीवर्ड्स व्हिच आर ऑफन आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम एंड जनरली इट रिमेन्स एज द एनिगमेटिक पजल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स what happens basically, we generally focus upon the crux of the material. So, generally what happens, that while going through a book, a textbook, or the newspaper article, we just focus on the crux of the material. But then, beyond the crux, there are many things. And generally, if you want to enrich a material, you need 5 W and 1 H. That means, why, what, when, where, right, and then how. So generally what happens while going through a text or context, whatever we are, we do not bother about these 5 W and 1 H, and in due course of time the fragments, some important fragments remain missing, and that is where we fail to analyze the critical aspect of a particular topic. Many people ask me, दोस्तों अगर कई लोग नहीं समझते हैं तो उनके लिए हिंदी में भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आप कोई विषय पढ़ते हैं तो कंटेंट पढ़ते वक्त जनरली ये रहता है कि उसका क्रक्स याद रहे और बस उतना काफी है. लेकिन अगर उसको आप एनरिच करना चाहते हैं तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह के सवालात जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक वो टॉपिक आपका एनरिच नहीं होगा क्रिटिकल थिंकिंग से. और ये जो 5 W and 1 H जब तक आप नहीं डालेंगे तो ये मुश्किल है कि उस सब्जेक्ट पे किसी तरह का क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व करें. लेकिन चलिए भाई, क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हो गया, उसके बाद भी कई बार कुछ डायरेक्शनल वर्ड्स कीवर्ड्स रहते हैं मेंस में, उनका क्या करें. जैसे आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि एक वर्ड आता है ट्रेस. जैसे 2021 मेंस में क्वेश्चन आया था, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज. अब यहां पे वर्ड जो डाल रहा है वो है ट्रेस. गौर से देखिए आप, यहां पे एक वर्ड आया है ट्रेस, क्या करें. देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए जिसमें आपको ट्रेस वर्ड आ जाए तो ध्यान में रखिए, ट्रेसिंग का मतलब होता है, जैसे आप फोटो होता है तो फोटो का ट्रेसिंग आप कैसे करते हैं, उसके हर एक पार्ट का एक आउटलाइन लेते हैं. ठीक उसी तरह से किसी भी घटना का अगर आपको आप ट्रेस करना चाहते हैं, उसकी पूरी जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेज हैं, उसको अगर आप रख देते हैं तो वो ट्रेसिंग होगा. तो यहां पे है 2021 मेंस में क्वेश्चन है, ट्रेस वर्ड है राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. अब यहां पे सवाल आता है कि देखिए सर, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो है, मैंने पढ़ा था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जो एकदम इनिशियल जो फाउंडर राजा राम मोहन राय थे और ब्रह्मो समाज था. ठीक है, आप ये जानते हैं कि राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्मो समाज उन्होंने फाउंड किया, लेकिन ब्रह्मो समाज का रेसिपी क्या यूनिक था, क्या अलग हटके था,
जो उससे पहले नहीं था। ब्रह्मो समाज ने अपने यहां के जो धर्म की जो कुरीतियां थी उसको हटाने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिलीजन की बात करी, और वे किसी भी तरह के छुआछूत के विरोधी थे राजा राम मोहन राय, और सभी धर्मों के नॉवेल थॉट्स को एक जगह एकुमुलेट करके वो ब्रह्म समाज बना रहे थे। ब्रह्म समाज एक बहुत नॉवेल प्रिंसिपल से इवॉल्व कर रहा था, और यही वजह था कि इसने हिंदू धर्म को फिर से रीलुक या रीविजिट करने के लिए इंस्पायर किया, और उसी से इंस्पायर होकर आर्य समाज भी आया। यही नहीं, हिंदू धर्म की जो तमाम कुरीतियाँ थी उसको लेके एक बहुत हेनरी विवियन डिरोजियो जैसे एक स्कॉलर थे जो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, डिबेटिंग क्लब और तमाम चीज़ों के माध्यम से लोगों को प्रमोट किया कि जो अंधविश्वास है उससे कैसे दूर होया जाए, और शायद यही वजह है हमारे पिछड़ेपन का। तो निश्चित तौर पे हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उसको लेकर के यूथ्स में एक बहुत बड़ा आप देखेंगे मूवमेंट हुआ, ब्रह्मो समाज मूवमेंट हुआ, और उसके तुरंत इमीडिएट बाद आप देखेंगे उसी के आसपास का ही मूवमेंट आप देखेंगे हेनरी विवियन डिरोजियो का मूवमेंट था। लेकिन ये यहीं तक नहीं गया, चूँकि कह रहा है कि इसको राइज एंड ग्रोथ को भी देखिए, तो आगे चल के आप देखेंगे इससे इंस्पायर होकर के प्रार्थना समाज बना, ठीक है, आगे चल के इसी से इंस्पायर होकर आप देखेंगे कि आर्य समाज बना, ठीक है। और यही नहीं हुआ कि प्रार्थना समाज और आर्य समाज तक ये सीमित नहीं रहा, हिंदुओं के अलावा मुसलमानों में भी जो आप देखेंगे रिवाइवल मूवमेंट होता है, चाहे सर सैयद अहमद का हो चाहे किसी और का हो। यही नहीं हुआ, हम देखेंगे कि पारसियों में भी रहनुमाई माजदयान सभा जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जब आप ट्रेस करने जा रहे हैं तो इसके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेज को रख देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। खैर जो भी हो, अब उसी तरह से एक वर्ड आता है इलेबोरेट, ठीक है। आप देखें एक क्वेश्चन आया था 2021 का क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट, इलेबोरेट। तो देखिए यहां पे इलेबोरेट का मतलब होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास है ही, इसके अलावे भी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तो उसको इलेबोरेट करिए, उसको समझाने की कोशिश करिए, तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक वर्ड आता है रिव्यू, ठीक है। अब आप रिव्यू करने जा रहे हैं किसी एक टॉपिक को, कैसे करें रिव्यू, बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है इसको कैसे रिव्यू करें। देखिए अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो किसी एक टॉपिक का, किसी एक सवाल का, तो उसके जितने फीचर्स हैं, उसके जो मेन फीचर्स हैं उसको एक जगह लाइए आप, और उसके हर एक एस्पेक्ट पे वन बाय वन क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो वो उसका रिव्यू हो जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखना, पॉजिटिव के साथ साथ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए। उसी तरह से एक वर्ड आता है डिस्कस। देखिए लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन आया था, Despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to the gross domestic product in the percentage. ये केवल इंडिया का मसला नहीं है, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे माइंस, चाहे अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, सिर्फ ये सब अंडर डेवलप्ड नेशन रहे तो इनका फ़ायदा पहले विदेशियों ने उठाया और आज बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज रही लेकिन आप लिख तो सकते नहीं हैं, ठीक है। खैर अब यहाँ पे डिस्कस करने को कह रहा है। डिस्कस का जो मतलब ये होता है कि जब आप कोई तीन या चार पॉइंट आप दिखाना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं ये वजह है ये, तो वो बहुत स्ट्रांगली आपके फेवर में होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉस में भी जा सकते हैं, कॉन्स में भी जा सकते हैं, आपको पूरा अपॉर्चुनिटी है डिस्कस वाले क्वेश्चन में दोनों साइड को देखने का, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो या नेगेटिव एस्पेक्ट।
ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है एसेस एसेस, ठीक है। अब आप जब एसेस करेंगे, कई बार यह भी क्वेश्चन आता है कि नहीं आप एसेस की जगह पे आप इसी तरह का एक वर्ड आता है, एक एसेस होता है, इसी तरह का एक वर्ड आएगा। ये इसमें जो एसेस जो होता है, इसमें ध्यान देने की बात यह है, ये ओपन एंड होता है, ठीक है। इसमें आप किसी भी चीज का जब असेसमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके पूरे वैल्यूज को देखिए, उसके मेरिट्स को देखिए, डिमेरिट्स को देखिए, और लास्ट में कौन सा पलड़ा भारी है वो देखिए, और आप पूरा ओपन एंड से ये काम करिए, ठीक है। तो ये असेसमेंट है। जैसे ये क्वेश्चन 21 में आया है, असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप प्रिंसली स्टेट्स को गौर से देखिए कैसे एसेस करेंगे, देखिए अब एक तरफ राजस्थान है, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो एक तरफ आपके सामने राजस्थान है, वहां कुछ प्रिंसली स्टेट्स, एक तरफ गुजरात साइड में कुछ प्रिंसली स्टेट्स, एक तरफ कश्मीर साइड में कुछ प्रिंसली स्टेट्स, कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट्स है, एक तरफ आप बहुत तरह का प्रॉब्लम है। आप हैदराबाद में जाएंगे तो आपको एक रिलीजियस इशू आ जाएगा, कश्मीर में जाएंगे रिलीजियस इशू आ जाएगा, कल्चरल इशू आ जाएगा, गुजरात में जाएंगे अलग कल्चरल इशू आएगा, राजस्थान में जाएंगे अलग कल्चरल इशू आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है, आप ये देखिए, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम था, इतना आसान नहीं था जो जो आपको दिख रहा है, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में ये जो बातें कही जा रही है वह उतना आसान नहीं था जितना हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, तो भाई हमको एसेस करना है। तो एसेस का मतलब ये नहीं है कि केवल वो प्रॉब्लम था वो आप गिना दीजिए, नहीं। एसेस का मतलब ये है कि क्या क्या चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को कैसे उस प्रोसेस में अडॉप्ट किया गया, या उनको उनको रेक्टिफाई किया गया, रेमेडी किया गया, वो क्या सिस्टम था। उन दोनों एस्पेक्ट को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना उसमें जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था और मेन जो सोशियो कल्चरल इशू क्या था जिसको जो चैलेंज के फॉर्मेट में आया था, इसको आपको एसेस करना है कि क्या ये बहुत आसान था या बहुत मुश्किल काम था। निश्चित तौर पे ये बहुत मुश्किल काम था, इस पेपर में आपको लिखना है और इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट देने होंगे। एसेस जब आप करेंगे तो ओपन एंड से करेंगे, ये इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, वही जस्टिफाई करिए। जैसे ही जस्टिफाई वर्ड आ जाता है, कहीं कहीं एक तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि यहां पे आप जज हो, आपको जज करना है। तो जो भी जिस फेवर में आप जज जजमेंट देने जा रहे हो उसके प्रति आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हो, आप एक जज हो तो उसके प्रति जो आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एसेस कर पाओगे। अब मैंने कहा था कि एसेस जैसा ही एक वर्ड होता है, यस, इवेल्युएट। इवेल्युएट और एसेस में कई लोग पूछते हैं सर ये भी तो सेम ही दिखता है, जैसा एसेस है वैसे इवेल्युएट है, नहीं, फर्क है। इवेल्युएट की अपनी एक क्लोज बाउंड्री होती है, तो उसमें होता है कि जैसे कोई एक स्टेटमेंट आया उसका इवेल्युएट करना चाह रहा है किसी राजा के बारे में, तो उसमें यह देखना होगा कि टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री। यहां पे एक लिमिटेड दायरा है आपके पास इवेल्युएट करने में, लेकिन एसेस में आपके पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। भक्ति लिटरेचर का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस हद तक उसने, किस लिमिटेशन तक इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट किया है। अगर आप भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि भक्ति ने कास्टिज्म के जो ऑर्डर थे उसको बहुत कमजोर किया। जैसे भक्ति ने
बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। भक्ति ने इंडिया में छुआछूत जैसी जो बीमारी थी उसको हल्के करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसे बहुत सारी बातें होती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, एनालाइज कीजिए। ठीक है ठीक है, जब भी एनालाइज करने की बात होगी तो पहले जो कंटेंट है, जो फैक्ट है, उसको आप रखेंगे फेस वैल्यू पे। रखने के बाद अलग अलग डिबेट्स उस पर चल रहे हैं ऑलरेडी, उनके अलग अलग पहलू और उनके काउंटर नैरेटिव्स को आप रखने की कोशिश कीजिए, तो एनालाइज पार्ट आपका सही हो जाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ उसी तरह से एक वर्ड है कमेंट, ठीक है। इसमें आप पूरे बात को ना रख के मेन मुद्दों को रखें, और जहां आपको लगता है कि यहां पे कमेंट करना चाहिए वही मुद्दे, जहां जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अब एक वर्ड है क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली देख के लगता है कि खाली नेगेटिव होता, नहीं। क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब होता है पहले उस कंटेंट को दिखाइए, इलेबरेट कीजिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को रखिए, तो आप ऐसा कर पाते हैं तो वही क्रिटिकल एनालिसिस है, वही क्रिटिकल इवेल्युएशन है और वही क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। डिफरेंस जानते हैं आप अच्छे से, बहुत ज्यादा आराम से आप चाहें तो किसी चीज का डिफरेंस आप रख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट नेचर, क्या क्या है एक चीज और दूसरे चीज में। कंपेयर में दोनों को तुलनात्मक तरीके से रखना है। समराइज में समरी डालना है, ठीक है। आउटलाइन में निश्चित तौर पे सब कुछ तो नहीं डाल सकते, मेन पॉइंट्स ही डालना होगा, ठीक है। इलस्ट्रेट में आप ये है कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पलीफाई कर सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिगर्स टेबल ग्राफ, ठीक है, तो ये इलस्ट्रेट के काम आ जाएगा। क्रिटिक भी क्रिटिकली एनालाइज की तरह है। इन्यूमरेट मतलब एक्सप्लेन करना है ज्यादा डिटेल में, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी जो बात आप कहना चाहते हैं उसको आप कैसे स्ट्रांग केस है वो आपका वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें से कोई एक या दो चीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और जैसे यहां पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया, आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल, अब कैसे आप पहचानेंगे एक जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। और फिर उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो बताना, दैट इज आइडेंटिफाई। तो इस तरह से डिस्क्राइब भी कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं, उसका एक इंसाइट डालना है जो चीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मेंस के जो जो डायरेक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं और कैसे इस तरह के इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो 5W और 1H को याद रखिए, इस तरह के तमाम सवालों को आप आराम से डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।